जय साथियों, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सीएस बिल्कुल आप लोग डीमोटिवेट हो रहे होंगे कि वीडियो काफ़ी दिन से आप लोग को नहीं मिल रही है कि कब सीएस फायरमैन की आपकी रिजल्ट आएगी। तो देखिए, अभी मेरे पास जो भी आप लोग की डेटा, मैं जब से मेरे फ़ोन खो, आप लोग को तो पता ही है कि जब मैं छुट्टी जा रहा था तब लाइव सेशन में था, जब अनसेट की आ रही थी तो उस टाइम मेरा फ़ोन मतलब छीन लिए थे मेरे हाथ से जब मैं लाइव सेशन में था। तो मैंने कंप्लेन वगैरह किया और सडनली क्या है कि फ़ोन सडनली आपके जस्ट लेना, मैं कंफ्यूज में था कि कौन सा फ़ोन लूँ। और फिर अभी बिग बिलियंस डे चल रही थी तो मैंने सोचा ऑफ़र में कोई आईफोन वगैरह खरीद लूँ, यह मेरे माइंड में सेटअप थी। तो मैं सोचा कि नहीं, और इसके वजह से क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन था मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि मैं इंफॉर्मेशन से दूर हो गया। मैं जित एक्टिव था बिल्कुल मतलब सारा डेटा मेरा मतलब कि वो चला गया, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। और बस ही अब मैंने फ़ोन एक लिया हूँ नॉर्मली, जैसे कहने का ये मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट्स अगर किसी का अगर जिससे परमानेंटली काम चल रहा था जिस फ़ोन से, अगर वो फ़ोन खोता तो एक दिन में मतलब क्या मैं कौन फ़ोन खरीद लूँगा एक दिन में, वही सोच समझने में मेरे को टाइम लग गया फ़ोन ख़रीदने में। और फिर मैंने एक फ़ोन खरीदा, आईफोन का प्राइस काफ़ी हाई चल रहा था, वो कुछ डिस्काउंट था, जिस दिन डिस्काउंट था उस दिन मैंने ऑनलाइन नहीं किया। तो बस चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सी एस एफ फायरमैन के रिजल्ट के बारे में मैं बताऊँगा, तो बस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये बैरक है आपके, अगर आप लोग सिलेक्शन लेने के बाद आओगे तो आप लोग की ट्रेनिंग यहीं होगी, इसी बैरक में रुकेंगे। मैं क्लियर बैरक को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं आप लोग समझ सकते हैं, नॉर्मली मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये ग्राउंड है और ये आपको नीचे का दिखाता हूँ, बस यही मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पूरा दिखाने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैं इसीलिए तो चलिए बस आप लोग को मैं इतना दिखाया, बाकी आप लोग यहाँ आ करके देखिए। और चलिए वीडियो का एंजॉय लीजिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताया हूँ तो देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेट करने के लिए इस चीज़ को मैं दिखाया। तो चलिए मैं आप वीडियो सब कॉन्स्टेबल फायरमैन की आपकी एग्ज़ाम हो गई है, आपकी रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आप लोग की जल्द आएगी। और सबसे उससे बड़ी आपको ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी आप लोग को तो बढ़ गई है, कटअप आपकी बिल्कुल आपकी थोड़ी सी कटअप कम गई, ये नहीं कहने का मतलब कि कटअप आपकी बिल्कुल कम जाएंगे, कमेंगे नहीं, आपके कटअप भी थोड़ी सी डिक्रीज हो गए। इसलिए डिक्रीज हो गए क्योंकि आपकी वैकेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन उससे आपको एक चीज़ और कंपेयर करना है कि वैकेंसी ज़्यादा होते हुए भी आपकी क्या है कि क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी मीडियम थी। पहला शिफ्ट में क्वेश्चन बिल्कुल हल्का, सेकेंड शिफ्ट में उसकी थोड़ी सी आपकी मीडियम, और थर्ड में भी उसके थोड़े से लेवल बढ़ा दिए गए थे। नॉर्मलाइजेशन की कोई सिस्टम अभी नहीं बता दे रही कि आपकी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी, अभी ऐसा कोई, अब जैसे जैसे एक्टिव मतलब कि जैसे जैसे वहाँ से आपको नोटिस आएगी हमको बताएंगे। मैं बिल्कुल एक्टिव से डीएक्टिव हो गया, मेरा फ़ोन जब से चोरी हुआ, जब से मेरा बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आती थी उसमें फ़ोन में ऐसा ऐसा मतलब सिस्टम फीड था कि हेडक्वार्टर वगैरह से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी उस फ़ोन में, और अभी इसमें उससे मतलब मेरा फिर मैंने, मैं यकीन नहीं करोगे कि मैंने 1 तारीख से लेके मतलब कल तक, आज से एक दिन पहले तक मैंने छोटा फ़ोन यूज किया, कीपैड फ़ोन यूज कर रहा था, और बाकी लैपटॉप से थोड़ा बहुत मैंने काम चला रहा था लेकिन कीपैड फ़ोन यूज कर रहा था और फ़ोन बिल्कुल नहीं था। इसीलिए जितना भी डेटा था मेरे डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाया, आप लोग को मैंने बिल्कुल, मैं कॉमेंट्स देख रहा था आप लोग डीमोटिवेट हो रहे थे। तो अब सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो से, और आप लोग की कटअप की वीडियो लाऊंगा, लेकिन रिज़ल्ट की बात बताई जा रही है तो रिज़ल्ट आपके इस महीने लास्ट लास्ट तक रिज़ल्ट मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, और नहीं तो फिर अगली महीने आएगी। क्योंकि इसलिए आपकी इस महीने लास्ट लास्ट अगर आपके रिज़ल्ट नहीं देती है तो वैकेंसी बढ़ाया तो उस पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वैकेंसी आपके बढ़ाया तो रिज़ल्ट भी आपकी बढ़ा के देने की चांसेस है। तो इस महीने लास्ट लास्ट तक अगर आपकी रिज़ल्ट आती है तो गुड न्यूज़ है, और रिज़ल्ट कितने आएगी, वैकेंसी तो आपको 1700 हो गए तो 1800 के आसपास रिज़ल्ट आएगी, और आप लोग जितने भी क्वालिफाई है बिल्कुल लक्की पर्सन है। क्योंकि इसलिए लक्की पर्सन है कि आपकी एग्ज़ाम होने के बाद, मैंने पहले ही आपको बताया था कि वैकेंसी आपके एग्ज़ाम के बाद ही बढ़ाती है, बहुत के कैंडिडेट्स बोलते हैं एग्ज़ाम कब वैकेंसी बढ़ेगी, तो इसीलिए मैं पहले आप लोगों को बोल रहा था कि वैकेंसी के बाद ही आपकी मतलब एग्ज़ाम के बाद ही आपकी वैकेंसी बढ़ती है। तो मैं रियलिटी बता रहा था कि नहीं, आप लोग को यकीन नहीं हो रहा था, जिसको जिसको यकीन नहीं आता ना मेरे पे उस बिल्कुल ये मैं यही बोलता हूँ भाई, मैं फेक न्यूज़ नहीं बताता, फिर जो भी मेरे पास न्यूज़ होती है वो मैं रियलिटी बताता हूँ, कोई गलत नहीं बताता। और इसके बाद मैं आप लोग की एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग ना जो भी कैंडिडेट्स आपकी मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल मतलब मेरा मार्क्स अच्छा खासा आ रहा है, आपको ऐसा लगता है,
तो आप लोग एक काम कीजिए, एक काम ये करना है आपको, ये काम करना है कि आप लोग बिल्कुल सेपरेट रहें, क्योंकि आपकी रिजल्ट आने की, रिजल्ट की जस्ट आपके बाद आपके मेडिकल की डेट दे देंगे। मेडिकल की डेट आपको कब, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आज रिजल्ट आ गया, मानना है आज रिजल्ट आ गया इस एस एफ फायरमैन की, तो कल तक आपकी मेडिकल की लिस्ट आ जाती है। मेडिकल की लिस्ट जो कैंडिडेट जिसके जिसके रिजल्ट आते हैं, और मेडिकल की लिस्ट एक दिन के बाद आपके आ जाते हैं, उसमें आपके नाम मेंशन किया रहेगा, आपके रोल नंबर रहेंगे, आपके फादर्स नेम रहेंगे, आपके कैटेगरी रहते हैं इतना रहते हैं, और फिर आपके मेडिकल सेंटर भी होते हैं कि कहाँ आपकी मेडिकल, ये मेडिकल लिस्ट हो गई, उसके बाद आपकी एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाती है। फिर इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिल्कुल सेफ रहें, किसी तरह का कोई मतलब इधर उधर आप ज़्यादा मतलब आप इंजॉय मत कीजिए, इंजॉय कीजिए लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी बॉडीज़ को नुकसान मतलब पहुँच पाए, मेडिकल मतलब कि आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और बाकी मेडिकल से रिलेटेड आपको वीडियो बनाई गई है, आपको देखिए जाके, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है सेस ऑफ फायरमैन की, क्योंकि क्या है कि मेडिकल से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हूँ, उसमें जो जो आपके सेस ऑफ फायरमैन में पॉइंट बनते हैं वही मैं बनाया हूँ, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं कट ऑफ की वीडियो लाऊंगा, कट ऑफ की वीडियो मैं, क्योंकि सारा डेटा अब मेरे को बनाना पड़ेगा फिर से, एक मेरे को फिर से बेस तैयार करना पड़ेगा, तभी मतलब सारा डेटा कलेक्ट होगी। काफ़ी दिन जैसे मेरे पास कुछ अवेलेबल है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों आप कैसे बताऊँ, मुँह से बोल देने से सच्चाई नहीं होती, सच्चाई मतलब हासिल करने के बाद ही बताता हूँ तब वो सच्चाई होगी। तो इन्फॉर्मेशन अब मैं धीरे धीरे कलेक्ट करूँगा और कट ऑफ की वीडियो मैं एकदम परफेक्ट लाऊँगा, जो कि मतलब जो भी आपके 95% आपकी वो वीडियो मतलब करेक्ट रहेगी। तो इसके बाद कट ऑफ की वीडियो आएगी, इससे पहले मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाया हूँ वो भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंस होगी। तो वो अगर वो वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको भी देख के आप समझ सकते हो, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। अब बाकी आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने एग्ज़ाम जिस जो कैंडिडेट्स लगता है कि मेरे से रिजल्ट नहीं हो पाएगा, मार्क्स कम है, सभी को मैं यही एडवाइस देता हूँ, जिनका मार्क्स हाई है, जिनका मार्क्स कम है, वो सभी को मैं ये एडवाइस देता हूँ कि कृपया आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए, और कंटिन्यू रखने से क्या होगा ना कि आपकी दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहे। ये एग्ज़ाम दे दिए तो अच्छी बात है, इसके भरोसे मतलब आपको तो रहना ही है, इसमें तो रिजल्ट हो गया तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, लेकिन प्रिपरेशन को आपको छोड़ना नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम दे दिए, आप सब कुछ भूल गया, अरे रहने दो आप इंजॉय करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या है कि एग्ज़ाम की मतलब कोई भी एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन करते रहनी है। जैसे फिलहाल में SSGD की बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी तो उसकी प्रिपरेशन करो, मैथ रीजनिंग हिंदी वगैरह JK GS पढ़ते रहो, पढ़ने से थोड़ी कि कमज़ोर बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद जैसे फायर की रिजल्ट आ जाते हैं, अगर उसके रिजल्ट आपके आ जाते हैं तो मेडिकल के लिए जाओ, मतलब आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी, इससे आपकी बहुत मतलब नुकसान हो। और जो कैंडिडेट्स डीमोटिवेट होते हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट ना ही नहीं हो, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे को लग रहा था बहुत मेरे जो सब्सक्राइबर बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं, मैं मतलब कि जो भी मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा था आप लोग को इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको रिजल्ट की बात मैं इसी इस महीने के लास्ट तक या तो फिर आपके नवंबर में आपके आ जाएगी रिजल्ट। तो बस वीडियो यही था आज का, इसके बाद कटअप की वीडियो आएगी, तो वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।